नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मॉडल उत्तर की लेकर आया हूँ, जो कि ऑथेंटिक मॉडल आंसर रहेगा। और ये जो सेट है, सेट बी का है, और आपके पास जो भी सेट होंगे उसके हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा प्रश्नों के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिक 100% जो उत्तर संभावित है उसका यहाँ पर मैं आंसर बताऊँगा, तो आप अच्छे से मिलान करिएगा। और तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पूरे सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, तो आप अपना मिलान जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं, तो जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और उसके बाद है दूसरा है समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा, संसाधन शिक्षक की। दोस्तों आज का जो वर्ग दो का एग्ज़ाम था, जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है व्यापम में, देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी सरल था। जैसे व्यापम में पहले परंपरागत जो क्वेश्चन आते थे कठिन प्रकार के, उस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सभी जितने भी यहाँ पर पार्ट्स हैं, चाहे आपके गणित का हो या आपका सामाजिक विज्ञान या इत्यादि जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर के, देखा जाए तो सरल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न था जिसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तीसरा, भारत में बाल विकास का प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1930 में। चौथा प्रश्न है NVLD का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अशाब्दिक सीखने की यहाँ पर अक्षमता है। पांचवा यहाँ पर प्रश्न है, सर्जनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पार्श्व चिंतन और समस्या संसाधन यहाँ पर समाधान में अच्छा। उसके बाद है छठवा, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है, यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा, शिक्षक एवं पालक की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। अगला है यहाँ पर सातवां प्रश्न है, ICIDH का यहाँ पर पूर्ण नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्षति अक्षमता अनुसक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवा नंबर, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बुद्धि हो जाएगा। अगला, खालिस्तान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त डी हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार मंथन विधि। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विकासी विधि। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है तो किस तरफ से, तो उसका सही आंसर सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेघावी है, आप इन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, आपका समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो यहाँ पर किसके कारण से, इसका सही आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विद्यालय जो विकास है, विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित करते हैं, तो उसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान से मानसिक जो विकास का संबंध नहीं होता है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला, समय से शिक्षा में हमेशा खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, वाई गोस्टस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि खालिस्तान, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर थानाडाइक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने की अक्षमता है। अगला है 23वां नंबर, एक बच्चे की बुद्धि लुद्धि अगर 90 से 110 के बीच हो तो खालिस्तान है, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। अगला है, समावेशी शिक्षा द्वारा खालिस्तान को दूर किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा। प्रश्नों का जो लेवल था देखा जाए तो सामान्य है, कठिन नहीं है, और इसमें जो कटअप भी है थोड़ा सा हाई जाने की संभावना बन सकती है, इसका कटअप भी मैं आपको शाम तक बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। अगला क्वेश्चन है 25वां, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है,
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। अगला है समावेशी शिक्षा में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है उसके बाद यहाँ पर 29वां नंबर, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मेंडल हो जाएगा। अगला एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी का भी काफ़ी सरल था देखा जाए तो। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कल्पांत में कौन सा संधि है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। खिड़की शब्द है, तो खिड़की दिशा शब्द है। अगला है उपसर्ग की विशेषता है, तो उपसर्ग की यहाँ पर तीन विशेषता है। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो तेज यहाँ पर रीति वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है, वर्ण ऋण का उच्चारण मुख किस भाग से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी के गुण का अनेकार्थ शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रस्सी हो जाएगा। अनंत शब्द का विलोम होगा, तो ससीम हो जाएगा। उसके बाद है वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वाचन के यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। अगला है भाषा कौशल का रूप है, तो बोलना सुनना लिखना पढ़ना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इत और ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह में कौन सा है, तो लाघव चिन्ह यहाँ पर डी है। खाली स्थान यहाँ पर देख सकते हैं, एकता शब्द का पर्यायवाची है, तो एकता का यहाँ पर एक रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप 43वां नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो उसके दो रूप होते हैं। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, युग्म शब्द बताइए, इति इति का सही अर्थ, तो उसका करेक्ट आंसर समाप्ति और फसल की बाधा हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है, यहाँ पर संज्ञा प्राय रहती है, तो इसमें उत्तम तीनों पुरुषों में। अगला 47वां, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा, दूसरा अर्थ बताइए, तो बेला एक फूल है, तो बर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या यहाँ पर 52 है। अगला प्रश्न 49वां नंबर, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो वह कहलाता तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अप्रमेय। अगला प्रश्न है यहाँ पर 91वां नंबर, कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अगला है, मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर में विसर्ग संधि है। 52वां है, अस्थिरता के कारण कहीं का ना का भाव व्यक्त करने वाला लोकोक्ति है, तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगला है, अंशु इंजीनियरिंग बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो उसका सही आंसर हेतु मद्भत यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है, तो कंठ का हार, तो बहुत अधिक प्रिय होना है। यहाँ पर 81 नंबर है, 16% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा, तो 250 रुपये है। अगला, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटा यात्रा करता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 224 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पाई चार्ट में, तो जो कि एक शहर है शिक्षित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 5000 हो जाएगा, जो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक समीकरण दिया है, यदि 5x = 6y है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 का है, तो पिघलाकर 1 घन बनाया, तो उसकी विकर्ण की घनों की भुजाओं को माप क्या होगा, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर 8 10। अगला प्रश्न है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया करें, तो सी हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न है, यहाँ पर समीकरण है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आपका डी है। उसके बाद एक समीकरण, यदि x+1/y है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयात का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, तो यदि लंबाई चौड़ाई 15% अधिक है, तो उसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला, यदि x+1/x है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगला है 91 नंबर का करेक्ट आंसर, तो ए बी सी जो त्रिभुज है, इसमें उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 5.4 है। अगला, नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पर एक वृत्त दिया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, समबाहु लेकिन समरूप नहीं। अगला है, x का मान ज्ञात करें यदि
ए भी एक सरल रेखा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 47 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 94 नंबर, दो समांतर श्रेणियों का यहाँ पर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 10.25% है। अगला है मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा और कि उत्तल लेंस है। अगला है बल का एसआई मात्रक, तो न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी हरित ग्रीन गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। और उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यहाँ पर डेसिबल कितने ऊपर तक यहाँ पर दूषण में आती है ध्वनि, तो 65 डेसिबल के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर विकिरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 102 प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यर्सिनिया पेस्टिस। अगला है पांच जगत प्रणाली के अनुसार निम्न से किसकी विशेषता को कवक को एक अलग जगत में रखा गया, तो इसका आंसर अपन डी लेकर चलते हैं। बाकी जिसको भी इसका सटीक आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको अपन एक बार और अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद है 104 है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण है, तो उत्कृष्ट उसमें एवं चालक है। अगला है नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा सभी यहाँ पर नवीनीकृत है। अगला स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर दृश्यमान प्रकाश की तरंगे धैर्य की सीमाएं होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है, तो कंप्यूटर का भाग यहां पर सभी हो जाएगा, सभी कंप्यूटर के भाग हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें सबसे छोटा शीशी बंद उपस्थित होते हैं, तो उसका सही आंसर यहाँ पर SC बराबर CH हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 111 नंबर जो कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 111 नंबर प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, और उसके बाद सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1829 ए वाला हो जाएगा। गुप्त सम्राट के संस्थापक श्रीगुप्त है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन है काफ़ी सरल थे। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सुमात्रा द्वीप है। उसके बाद है संविधान के अनुसार सही क्या है, तो संविधान के अनुसार यहाँ पर दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1997। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना कब लागू की, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2000। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की थी, 2000 में। अगला है रामायण के लेखक है, तो रामायण के लेखक आप सभी को मालूम है महर्षि वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो मुख्य जो नेता थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर थे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर ए अब्दुल हुसैन हजवेरी हो जाएगा। 124 सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता यहाँ पर नगरी सभ्यता थी। क्या सही है, तो क्या सही है काफ़ी टफ क्वेश्चन है जो जितने भी संविधान के, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 126 भारत ब्रिटिश ताज के अधीन कब हुआ, किस वर्ष अधीन आया, तो 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। अगला क्वेश्चन है 128 वधु क्या है, वधु तो ये एक विशेष परिधान है, स्पेशल ड्रेस है। अगला क्वेश्चन है निष्काम क्या था, तो निर्यात कर था, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है 130 भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 से ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। उसके बाद है 131 नंबर कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये भी काफ़ी सरल था, तो एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, तो डी से मतलब बराबर से कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, तो कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। वायरस है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है, आप सभी को मालूम होगा वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट है। रोम एक स्थायी और अपरिवर्तनशील मेमोरी है जो कि रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
तो यहाँ पर एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। अगला मल्टीमीडिया में शामिल है, तो मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का अनुपयोग निम्न में से, तो कंप्यूटर का उपयोग सभी के लिए किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला एमएस ऑफिस एक है, तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला 140 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन है, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, तो जिसमें वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन का अधिक क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता होती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए, साथ ही साथ ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर सी अपन लेके चलते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकरुल ने। अगला क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच यहाँ पर जो शेरशाह सूरी सड़क है वो जोड़ती है, तो यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम, तो आर्यभट्ट है। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया, तो सी बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, तो शेरपुर में, आप सभी को मालूम होगा, लाल ईंटों वाला। उसके बाद है, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, किस चट्टान से, तो अग्नि चट्टान के टूटने फूटने से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा लगभग बताया गया जो क्वेश्चन है लगभग सभी ऑथेंटिक है, बाकी व्यापार का मॉडल आंसर कुछ दिन में जारी हो जाएगा और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर शाम तक मिल जाएगा। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्तों उन तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।